एसवाई का मुद्दा भुनाने के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि हरियाणा कांग्रेस भी लगी हुई है। आज रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा ने तो साफ बोल दिया कि सत्ता में आते ही वे एसवाईएल के मुद्दे को सुलझा देंगे। हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार हर मुद्दे पर फेल है, मगर सत्ता में आते ही वे फिर हरियाणा में विकास को गति देंगे। और ये मुद्दा जो है एसवाईएल का है, आपकी अगर गवर्नमेंट आती है तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी? हमने क्या क्या प्रॉब्लम होगी? हमने तो मतलब राष्ट्रपति रेफरेंस करवाया, कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे आप? कैसे सुप्रीम कोर्ट से करवाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। हाँ, फिर कर दिया तो इम्प्लीमेंटेशन करवाना तो जिम्मेवारी है ना। हम बैठेंगे वहाँ, उसके ऊपर दबाव देंगे केंद्र सरकार के ऊपर। ये थोड़ा ये पंजाब सरकार कह दे हम नहीं दे सकते तो कोई मतलब, ये तो फिर कोई दूसरे, ये फेडरल स्ट्रक्चर है संविधान में, इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब स्टेट की वो भी है लेकिन राष्ट्रीय एक है, एक देश है, समझे। ये तो फिर यहाँ से किसी के स्टेट में से बिजली जाती है वो बंद कर देगा हिमाचल, हम बिजली बंद कर देगा हिमाचल, किसी का पानी बंद कर देगा, ये रोडवेज सड़कों से जाते हैं आवागमन होता है ये बंद कर देंगे कोई स्टेट, फिर देश का क्या रहेगा, फिर फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ रह गया? केंद्र सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल, उनकी जिम्मेवारी है, कोर्ट में फैसला किया है कोर्ट में। तो बीजेपी कहीं दिन लोकसभा चुनाव के देखते हुए इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, है? लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है कि कहीं पंजाब में इसको घाटा हो जाए बीजेपी गवर्नमेंट। तुमसे पूछो, जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, जिम्मेवारी निभानी चाहिए सरकार को। देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी और तेलंगाना में भी कांग्रेस मजबूत बन रही है और कोई ताज्जुब नहीं होगा, कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, मुकाबला सीधा बीआरएस और कांग्रेस में। क्योंकि लोकसभा से पहले 5 बड़े राज्य हैं, इनमें चुनाव हो रहे हैं और स्थिति कांग्रेस के पक्ष में आती तो लोकसभा के चुनाव पर असर होगा। देखिए तो होगा ही, लोकसभा का कुदरती होगा, ये एक संकेत होगा कि भाई लोग क्या चाहते हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा कि 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट रूप से जीत है, जबकि 2 राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।